हे गाइस, वेलकम टू AK टेक। तो आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग M51 के बारे में। आज उसका मैं फुल इन डेप्थ रिव्यू बनाने जा रहा हूँ। तो ये फ़ोन लगभग मेरे पास 2 महीने से है मेरे पास, और मैं पूरा डे टू डे यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये फ़ोन को। कैसे गेमिंग हो गया, मूवी देखना हो गया, सोशल मीडिया हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, एवरीथिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हर एक फ़ोन का 5 मेन पॉइंट रहता है। पहला रहता है डिस्प्ले, दूसरा रहता है बैटरी बैकअप, तीसरा रहता है कैमरा, चौथा रहता है परफॉर्मेंस, और पांचवा रहता है इसका बिल्ड क्वालिटी। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट का मैं बात करूँगा तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले में मैं बोलूँगा इसका एमलेट आता है इसके साथ, और इतने पंच होल डिस्प्ले मिलते हैं आपको। तो डिस्प्ले से आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा मस्त है। एमुलेट है तो आपको ब्लैक पूरा ब्लैक मिलेगा, वाइट पूरा वाइट मिलेगा, कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अब बात करते हैं कैसे आप डे लाइट में यूज़ करते हो फ़ोन, कैसे कुछ भी आपको इशू वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, वैसा कुछ इशू नहीं होने वाला, पूरा मस्त आपको सब कुछ दिखेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा इधर। अब बात करते हैं कैसे आप सोशल मीडिया सर्फिंग कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, और कुछ भी मतलब कर रहे हो डिस्प्ले के रिलेटेड, गेम्स खेल रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आपको वैसा कोई भी दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले इसका बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अब बात करते हैं इसका कैमरा के रिलेटेड। तो कैमरा के रिलेटेड मैं बोलूँगा कैमरा बहुत ही ज़्यादा मस्त है। कैमरा भी इससे भी अच्छा खासा फोटो आप खींच सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। अगर डे लाइट रहेगा तो कैमरा का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मस्त रहेगा। कैसे मैं यूजुअली गूगल कैमरा यूज़ करता हूँ इसमें इंस्टॉल करके, तो गूगल कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैसे आप देख सकते हो गूगल कैमरा, तो गूगल कैमरा से तो परफॉर्मेंस ऐसे ही अच्छा आता है, और आप इंस्टॉल करके यूज़ करें तो और भी बहुत ज़्यादा मस्त कैमरा आपका आएगा। अब बात करते हैं इसका कैसे इसका सेल्फी के रिलेटेड। तो सेल्फी के रिलेटेड मैं बोलूँगा सेल्फी रिलेटेड भी अच्छा है कैमरा इसका परफॉर्म करता है। कैसे मैं डे टू डे सेल्फी ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, मगर कैसे मैं यूज़ किया हूँ 2-3-4-5 कैसे मैं बोलूँ 5-6 बार यूज़ किया हूँ, तो सेल्फी से भी अच्छा फोटो आ जाता है। और सामने वाला कैमरा तो सोनी का सेंसर आपको मिल जाता है, तो कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त है, और गूगल कैमरा के साथ यूज़ करोगे तो और भी अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहेगा। अब मैं बात करूँगा इसका तीसरा पॉइंट के बारे में, इसका बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी गाइस मैं बोलूँगा नहीं उतना अच्छा है, क्योंकि देख सकते हो मैं आपको वीडियो में आप देख ही सकते होगे कि इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में उतना अच्छा क्वालिटी मिलता नहीं है। कैसे मैं बोलूँगा आपका स्क्रैचेज एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा जल्दी लग जाता है, तो वो सब थोड़ा इशू लगता है मेरे को, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है इसका फ़ोन का, मैं फ्रैंकली बोलूँ। क्योंकि मैं कवर के साथ यूज़ करता हूँ, कैसे देखते हो कवर के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तब भी बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेज एंड ऑल आ चुका है विदाउट बैक कवर के साथ यूज़ करने में ये हालत है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करोगे तो सोच लो कितना ज़्यादा स्क्रैच और आएगा। तो इसका बिल्ड क्वालिटी भी उतना सही नहीं लगा, क्योंकि प्लास्टिक बिल्ड है, अगर आप गिरा हुआ दिए कहीं लग गया तो फ़ोन तो भसक जाएगा, नॉर्मल सा बात है। टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपका 22,000 वेस्ट हो जाएगा। तो फ़ोन को ध्यान से यूज़ करना है। इसके साथ टेम्पर ग्लास हो गया, फिर इसके साथ एक मैं बोलूँगा बैक साइड में भी टेम्पर ग्लास लगा लो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा। और डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसके साथ आप बैक कवर यूज़ करो डेफिनेटली, क्योंकि अगर बैक कवर नहीं यूज़ करोगे तो पछताओ है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा बैक कवर जरूर यूज़ करना फोन के साथ। बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है, 720G का प्रोसेसर, जो प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। आप जो भी थ्रो करते हो फोन अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, कोई भी इशू नहीं आता। कैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस था पहले वाला सैमसंग के फ़ोन के साथ कि लैग करने लगता था, कोई भी इशू आता था, वैसे इशू नहीं है अभी तक। अभी तक मैं OneUI में कुछ भी ऐसा इशू दिखा नहीं हूँ, फोन बहुत ही ज़्यादा मस्त चलता है, कोई भी वैसा इशू मुझे देखने को नहीं मिला फिलहाल तक। अब देखते हैं कैसे मैं यूज़ करता हूँ, 6 महीने 1 साल होता है फ़ोन का, तो कुछ इशू होगा तो मैं रिव्यू में डाल दूंगा, मतलब मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू बना के मैं डाल दूंगा कि अराउंड 1 ईयर के बाद कुछ इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब फिलहाल तो फ़ोन पूरा मक्खन चल रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा, कुछ भी मैं गेम खेल रहा हूँ सेटिस्फाई हूँ, फ़ोन अच्छा से परफॉर्म कर ले रहा है, गेम कुछ भी मैं थ्रो कर रहा हूँ गेम तो आराम से चल रहा है, कुछ भी आपको ऐसा इशू नहीं आएगा गेमिंग का रिलेटेड। अब बात करते हैं इसका 5वां पॉइंट और मेन पॉइंट के बारे में, जिसको सबको ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है, बैटरी लाइफ। इसमें आपको कैसे जानते हो 7000 mAh का बैटरी मिलता है, तो 7000 mAh का बैटरी है तो नॉर्मल सा बात है, बैटरी बैकअप से आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा बैटरी बैकअप से। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मस्त परफॉर्म करेगा बैटरी लाइफ के रिलेटेड में। कैसे मैं जॉब करता हूँ, फिर उसके बाद चार्जिंग को इतना टाइम वो सब मिलता नहीं है, तो ये फ़ोन को लगभग मुझे 3 दिन तक मैं टाल लेता हूँ, 3 दिन तक मतलब विदाउट एनी चार्ज, मैं 3 दिन तक मैं बोलूँगा नॉर्मल यूज़ के अंदर मैं टान लेता हूँ फ़ोन को, अच्छा से परफॉर्म करता है। मतलब मैं कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे मैं गाना सुन लिया, वीडियोस देख लिया, थोड़ा सर्फिंग कर लिया, व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, मैं गेम नहीं खेलता उतना। कैसे मैं जॉब में जाता हूँ तो गेम वो सब का टाइम मिलता नहीं है, नॉर्मल से बात है। तो अगर आप यूज़ करते हो तो गाना हो गया, वीडियोज़ हो गया, वो सब अगर हल्का फुल्का आप देखते हो तो आराम से आप 3 से 4 दिन तक फ़ोन को टान सकते हो आँख बंद करके।
तो वैसा मेरा बैटरी बैकअप का एक्सपीरियंस था। और बैटरी बैकअप के रिलेटेड अगर आप फोन ले रहे हो तो डेफिनेटली आप ये फोन ले लो, आग बंद करके आप आराम से 3 से 4 दिन के बाद ही फोन को चार्ज लगाओगे अगर आप नॉर्मल यूज करते हो। अगर आप हार्डकोर यूजर हो तो अराउंड आपको 2 दिन तक ये टान लेगा, आराम से 2 दिन तक टान लेगा ये फोन। तो ये मेरा मुझे लगता है क्योंकि मुझे एकदम हार्डकोर यूज नहीं करने का टाइम मिला, एकदम पहले मैं पहले कैसे मैं हार्डकोर यूज करता था, पूरा फोन एकदम खत्म कर देता था, पर जूस निकाल देता, वैसा मैं नहीं यूज़ किया हूँ अभी भी। नॉर्मली टिपिकली मेरा यूजेस है कि मूवीज़ हो गया, थोड़ा गेम्स खेल लिया, थोड़ा सोशल मीडिया चला लिया, तो वैसे ढंग में मुझे 3 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप ये निकाल के दे देता है, कुछ भी इशू नहीं होता है। तो बैटरी बैकअप के रिलेटेड ले रहे हो ये फोन तो आप बंद करके ले लो, आप सेटिस्फाई रहोगे। बात करते हैं मेरा ओपिनियन के बारे में कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज मेरा ओपिनियन है कि गाइज अगर आपका बजट है और आप सैमसंग लवर हो तो डेफिनेटली आपको ये फ़ोन चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मस्त परफॉर्म कर रहा है और आप सेटिस्फाई रहोगे ये फ़ोन लेके। कुछ भी आपको ऐसा इशू नहीं लगेगा, कुछ भी लैग कर रहा है एंड ऑल, कुछ भी इशू आ रहा है। हाँ मुझे थोड़ा खटक रहा है इसका बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलता है, प्लास्टिक है तो नॉर्मल से स्क्रैचेज एंड ऑल जल्दी लगेगा और फोन गिरेगा तो डेंट एंड ऑल लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाईली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिंपली इसके साथ आप एक बैक कवर यूज़ करो और यू आर गुड टू गो। बैक कवर यूज़ करें और एक टेम्पर ग्लास लगा लो बैक साइड एंड फ्रंट साइड, यू आर गुड टू गो। आप आराम से फ़ोन यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसका सैमसंग है, ये फ़ोन ये सैमसंग है तो मुझे लगता है वन यू आई जब से आया है सैमसंग के अंदर तो सैमसंग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं कितना दिन तक मैं फ़ोन रखता हूँ, कितना दिन तक इसको इशू नहीं आता है। फिलहाल तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, फ़ोन पूरा मक्खन की तरह चल रहा है, मगर देखते हैं फ्यूचर में शायद कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं रिव्यू बना के डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं डेली बेसिस पे बनाता रहता हूँ और आप लोग को अपडेट रखता हूँ। बाय गाइस।